अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज ज़रा थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है। मैंने किया ही ये है कि जो मेरा गिम्बल है उसको मैंने जो है वो अपने ट्राईपॉड के ऊपर लगाया हुआ और मैं इधर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर मैं इधर उधर लेफ्ट राइट होऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। तो आज बेसिकली ब्लॉग नंबर 63 और आज है मार्च 2, 2021 और मैंने कहा आज आपसे मैं बात करूँ ट्यूब बडी के बारे में, तो आइए वीडियो में चलते हैं। सो ट्यूबबडी, ट्यूबबडी एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो ट्यूबबडी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता, मैंने भी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया अराउंड अबाउट मंथ और टू। उसमें ये है कि मैंने एक तो बहुत सारा टाइम बचाया, बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं, बेसिकली मैं ज़्यादा ट्यूबबडी जो है वो कीवर्ड्स के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन आप जो है वो और बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कीवर्ड एक्सप्लोरर उसका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप यूट्यूब में अगर आप ट्यूबबडी नहीं यूज़ करें और आप मगर आपने ट्यूबबडी की एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड की हुई है, तो जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपको 2-3 जो है वो नीचे कीवर्ड्स जो भी आपका टाइटल है उससे रिलेटेड या डिस्क्रिप्शन ही टाइटल से ज़्यादा होता है, टाइटल से रिलेटेड जो है वो ट्यूबबडी जो एक्सटेंशन है उसके थ्रू जो है वो आपको 3 या 4 या 2-3 जो है वो टैग्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एग्जांपल एक दे रहा हूँ। तो मैं भी वही यूज़ करता था, लेकिन जब से मैंने ट्यूबबडी का जो है वो परचेज किया है तो मैंने ये देखा है कि मेरे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो टैग्स की आ गई हैं और उससे थोड़ा बहुत मेरी वीडियोस में जो है फ़र्क आया है। फ़र्क किस तरह आया है कि जो है लेट सपोज मैं अब ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने एक चैनल पे जो है वो ट्यूबबडी को यूज़ कर रहा हूँ जो KS व्लॉग्स, जो यही चैनल जिस पे आपकी वीडियो देखें। मैंने जो मेरा कुकिंग चैनल देसी डैड किचन उस पर मैंने यूज़ नहीं किया इसको, मतलब उसको मैं उस पर मैं जो नॉर्मल टैग्स होते हैं वही यूज़ करता हूँ। तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि उससे जो है ठीक है, हो सकता है कि मुझे व्यूज़ इतने जो है वो ना मिल रहे हों मिले हों, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट किया कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ क्योंकि वो जो टैग्स मैं यूज़ करता हूँ वो रैंक होते हैं डिफरेंट जो है वो जगहों पर। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह ट्यूबबडी ने जो है वो मुझे जो मेरे कीवर्ड एक्सप्लोरिंग थी उसमें मुझे हेल्प आउट किया। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जाके कंप्यूटर के ऊपर कि मैंने कितना टाइम सेव किया। अगर मैं लेट सपोज वैसे ऑन माय ओन सर्च करता मैंने टाइम और मनी कितना सेव किया। ये एक छोटी सी फ़ी होती है $9 की। तो अगर आप मैं अपना लिंक दूंगा, अगर आप मेरे लिंक से जो है वो जाएंगे www.tubebuddy.com/KSVlog से तो आप जो है वो ये सारी फीचर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इसके और बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। जो मैं मुझे जो सबसे बेहतरीन फीचर लगा है वो है इसकी तो मुझे जो सबसे बेस्ट फीचर लगा है वो इसका है हेल्थ रिपोर्ट। ये चैनल की हेल्थ रिपोर्ट आपको बताता रहता है कि आपके कितने व्यूज़ हुए हैं, कितने आपके जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं और फिर उसके हिसाब से कि किस किस जगह से आपकी जो है ट्रैफिक आ रही है। ये आपको गूगल हमेशा कहता हूँ मैं, यूट्यूब एनालिटिक्स भी बताता है, लेकिन ट्यूबबडी जो है वो आपको स्पेसिफिकली बताता है कि कीवर्ड के हिसाब से जो है वो कौन सा जो है वो कीवर्ड ऐसा है जो कि आपके चैनल को की तरफ ट्रैफिक लेके आ रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा मुझे टूल लगा। और भी इसमें बहुत सारे हैं जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी हैं कि आप क्या करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस में आपकी एक तो ये है कि आप जो है वो कोई कमेंट पिन करते हैं या एंड स्क्रीन डालते हैं या कार्ड्स डालते हैं या ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरा अगर लिंक आप यूज़ करते हैं तो आप ये सारी फैसिलिटीज वैसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी लिंक से जो है भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ट्यूबबडी वहाँ पे जो है वो मैं उसको किस तरह यूटिलाइज करता हूँ। तो वेलकम टू द स्क्रीन, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल में जो है वो लॉग इन हूँ। ठीक है, जब आप ये मैं ओपेरा यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो ट्यूबबडी की एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, तो यहाँ पर मेरे पास जब मैं ट्यूबबडी खोलता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो
लाइसेंस मेरा प्रो है और यहाँ पे जो है मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे जो है वो मैं देख सकता हूँ। जैसे कीवर्ड एक्सप्लोरर है, यहाँ पे क्लिक मैग्नेट है, इसको मैंने अभी तक से यूज़ नहीं किया। थंबनेल जनरेटर है, ये भी मैं इतना मैंने अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया लेकिन कर सकता हूँ। लेकिन हेल्थ रिपोर्ट, ये बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास बल्क प्रोसेसिंग और कमेंट मॉडरेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस चेक, से भी एक बहुत अच्छा है कि ये बताता है आपको कि ये आपके कौन से हैं। और जो मेन चीज़ जो आपकी वीडियो के ऊपर आता है जिसमें वो आपको बताता है, लेट सपोज मैं यहाँ से अपना यूट्यूब चैनल अगर खोलूँ दोबारा और कोई भी वीडियो ले लूँ, तो उस पर बेसिकली कुछ एनालिटिक्स होती हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिस तरह टोटल व्यूज़ हो गया, कमेंट्स हो गया, लाइक्स डिसलाइक्स, SEO स्कोर। बेसिकली ये जो मेन चीज़ मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट करती है वो SEO स्कोर है। तो अगर मैं अपना ही चैनल खोलूं और यहाँ पे मैं अगर देखूं, तो अपने चैनल के ऊपर जो है वो मैं अगर अपनी कोई वीडियो ले लूं, एक तो ये चीज़ कि जब आप करते हैं ना वीडियो पे आते हैं तो वो आपको जो है बेसिकली क्या करता है, आपके ना यहाँ पे एनालिटिक्स आने शुरू हो जाते हैं, चैनल एनालिटिक्स, और वो कंपेयर करता है। अगर आप किसी और के चैनल पे जाते हैं तो वो उसके साथ कंपेयर करता है कि जो है वो अब जैसा ये आ गया, ठीक है, ये अब आ गया कि ये बता रहा है कि जी व्यूज़ इतने 141K है, 388 वीडियोज़ हैं, 29 वीडियोज़ पिछले 30 दिनों में 3.18K व्यूज़ थे, ठीक है। अब ये इसने एक मार्जिन सेट किया हुआ है, जब आप किसी के और के चैनल पे जाएंगे ना तो वो आपको उसके हिसाब से जो है वो आपका ग्राफ और उसका ग्राफ जो है वो शो करेगा। अच्छा, किसी भी वीडियो की तरफ चलते हैं, चाहे कोई भी रैंडमली मैं लेट सपोज गूगल एडसेंस वाली वीडियो ले लेता हूँ। एक तो ये VidIQ वाला है, अब दोनों जो है ना वो यहाँ पे लोड होते हैं। मैंने VidIQ को नहीं लिया हुआ लेकिन लो अब ये जो लोग कहते हैं कि VidIQ भी आप कर सकते हैं। अब VidIQ और TubeBuddy दोनों अच्छे जो है ना वो हैं। अब यहाँ पे देखें, अभी ये वीडियो नहीं शुरू हुई, यहाँ पे आपके पास वीडियो एनालिटिक्स आ गए जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपको बता देते हैं कि जी क्या क्या हैं टैग्स, आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जो SEO स्कोर, मुझे ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है SEO स्कोर, ठीक है। हो सकता है बाकी चीज़ें जो है वो इतनी अट्रैक्ट ना करती हों लेकिन ये चीज़ जो है ना वो मुझे यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। एक और मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, मैंने 1 जनवरी को बनाई थी और उसके ऊपर मुझे जो है वो ये वाली जो वीडियो जब मैंने बनाई थी, ये जो मैक स्मार्ट है, ये बेसिकली मैंने वीडियो उनके साथ भी शेयर की थी जिनका ये एक्चुअली जो है जो स्टोर है। तो अब आप देखें, यहाँ पे SEO स्कोर बिल्कुल ज़ीरो है लेकिन क्रिएटर सजेस्टेड 1 out of 20 है, ठीक है, और 160 सोशल फेसबुक पे, हालांकि मैंने इसको फेसबुक पे नहीं किया शेयर लेकिन उन्होंने जो है वो फेसबुक पे शेयर किया और फेसबुक से जो है। तो बेसिकली एक ट्यूब बडी का जो है वीडियो एनालिटिक्स वो यहाँ पे मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अगर हम इसके वैसे चले गए, अगर आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फिर आपको मैं ट्यूब बडी का जो डैशबोर्ड है वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से जब आप फाइल सेलेक्ट करते हैं, रैंडम कर लेता हूँ अभी, सपोज मैं ही एक छोटी सी है, इसको मैं अपलोड नहीं करूँगा, ऑब्वियसली डिलीट कर दूंगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ
भी आप यहाँ पे देखिएगा नीचे जब मैं आऊँगा ना, तो यहाँ पे जो मोर ऑप्शंस हैं ये देखिए, यहाँ पे लोडिंग टैग्स, अभी वो टैग्स लोड हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई टैग्स नहीं है, लेकिन अगर कोई और वीडियो होती ना, अगर मैं कोई और लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी सिर्फ दे दूँ मैं, तो यहाँ पे टैग्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं और फिर आप उनसे कर सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड एक्सप्लोरर में ना जो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब आप लाइसेंस परचेज करते हैं तो कीवर्ड एक्सप्लोरर जो है ना वो आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बताता है और स्कोर बताता है कि स्कोर आपका क्या है। क्योंकि ये लोड नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं लोड हो रहा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, वीडियो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट मेंट फॉर दिस चैनल। आपको मैं वैसे डैशबोर्ड दिखाता हूँ। अच्छा, जो ये चीज़ जो है ना बेसिकली मुझे अट्रैक्ट करती है ट्यूबबडी में। ट्यूबबडी में क्या है कि जब आप खोलते हैं तो आप हेल्थ रिपोर्ट किसी भी अपने चैनल की देख सकते हैं, अगर आपने लाइसेंस परचेज किया। जैसे बता रहे 141K व्यूज हैं, 2.21 है, 388 वीडियोज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये लास्ट 30 डेज, उधर यूट्यूब में आपको 28 डेज और 48 डेज और इस तरह आता है, यहाँ पे 30 डेज का जो है ना आपको बता रहा है कि लास्ट 38 डेज में सब्सक्राइबर की क्या हिसाब किताब रहा, आपकी इंगेजमेंट कितनी रही, आपके व्यूज़ कितने रहे और ट्रैफिक की सोर्सेज आपकी कहाँ से हैं, कि लोगों ने सर्च किया केएस व्लॉग्स तो 108 व्यूज़ उस पर हुए, मेट्रो बस किया तो 45, वो ये सारी यहाँ पे आपके चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसी तरह रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं उन पर भी जो है ना वो यहाँ पर वो हो रहा होता है, व्यूज़ आ रहे होते हैं, कि जैसा 5 रुपये रमज़ान स्पेशल पाकिस्तान, ये व्यूज़ इतने इस टाइटल के साथ जो है इतने व्यूज़ हैं। फिर होता है वेबसाइट्स, कि किस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपकी व्यूज़ आ रहे हैं, जैसा गूगल सर्च है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप बिजनेस, यूट्यूब, क्रिएटर स्टूडियो, एंड्रॉयड इफ एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आ रही होती है लाइक और डिसलाइक, जैसा लाइक्स 537 है, डिसलाइक्स 3 है, 219 जो है वो कमेंट्स हैं, शेयरिंग किस जगह पे है और रिटेंशन कितना रहा। ये रिटेंशन रेट जो है वो अभी एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरी बहुत बेहतर होगी, पहली मेरी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, लेकिन अब ये 3.3 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स हो गई है। 29% एवरेज वॉच्ड, ये पहले 20% पे होती थी। तो ट्यूबबडी से जो है वो मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा जो है वो मिल रहा है एंगेजमेंट के लिहाज से। यहाँ पे 23% है, ये पहले 19% पे थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस के हिसाब से बता रहा है कि जी ऑडियंस जो है वो फीमेल और मेल और सेग्रीगेशन एज वाइज उसने बताई हुई है, डिवाइस के हिसाब से बताई हुई है, फिर उसके बाद रीजन के हिसाब से बताई हुई है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के जो है वो इतने हैं, 200 इतने व्यूज़ हैं मेरे, और इंडिया के इतने हैं। प्लेबैक है, ठीक है, कि यूट्यूब वीडियो वॉच प्ले पेज है, अननोन एम्बेडेड, और ये सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपकी, जैसा मैंने कहा, मुझे ये अट्रैक्ट करती है, आपके लिए हो सकता है डिफरेंट हो। तो जिस तरह के मैंने कहा, यहाँ पे आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं होम को ज़रा ऊपर कर लूँ, तो यहाँ पे आप जो है ना जब आप ट्यूबबडी का वो लेंगे तो आपके पास यहाँ पे वीडियो एंड ग्राफिक्स में बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ट्यूबर टूल्स में आप जाएंगे तो ये एक्सेस फ्री है, वैसे ये $20 चार्ज करते हैं। अब इसमें थोड़े से ना आपको कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा ये एंड स्क्रीन है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे थंबनेल फ्रेम्स हैं, अगर आप जो है वो यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर एनिमेशंस भी कुछ हैं इनकी, ठीक है, ट्रांजिशंस हैं, फिर लोअर थ्रेड्स हैं, जैसा ये ट्रांजिशंस हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इनकी लोअर थ्रेड्स हैं। तो ऑल इन ऑल ट्यूब बड़ी जो है वो एक बड़ा अच्छा टूल है, मुझे तो बहुत अच्छा जो है वो पसंद आया है। और इधर से आप जो है वो रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप
लाइसेंस का परचेज करते हैं तो ट्यूब बडी मोबाइल पे जो है ये फ्री होगा। वैसे ये $299 अ मंथ है, लेकिन उस पे जो है ये फ्री होगा, ठीक है। तो ये थी ट्यूब बडी की दास्तान। ये मैंने दो चैनल्स हैं, ये तीसरा मैंने अगर अभी डाला है, लेकिन उसको मैंने अभी यूज नहीं करना शुरू किया। लेकिन KS ब्लॉग पे मैं जो है हेल्थ रिपोर्ट जो है वो और बैकअप एंड एक्सपोर्ट, ये मुझे जो है ना चीज़ अच्छी लगी है, ठीक है। बाकी तो सेम आई सपोज कि यहाँ पे जो और आप लाइसेंस जितना कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो वो है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ज़रूर ट्यूब बडी टूल यूज़ करें, पहले कुछ आप ट्राई करें, कुछ फ्री यूज़ करें, फिर उसके बाद आप अगर आप समझते हैं कि जी जो है वो लाइसेंस आपको परचेज करना चाहिए तो आप लाइसेंस परचेज करें। तो ये थी मेरी ट्यूब बडी की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे लिंक से जो है वो करते हैं तो आप जो है वो ट्यूब बडी की जो है वो सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हैं फॉर $9, तकरीबन 1400 रुपये पर मंथ बनती है। तकरीबन इतना मुझे चार्ज होता है, 1450 रुपये या 1400 समथिंग, दैट एक्सक्लूड्स दी टैक्स और FED, तो टैक्स वगैरह मिला के तो 1600 रुपये बनता है, तो विच इज़ नॉट अ बैड डील। चैनल को अगेन मैंने जैसा कहा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 2.5 मेरा टारगेट है और 2.2 पे हूँ मैं, तो 2.21 पे सॉरी, तो 2.5 मेरा टारगेट है, तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं इंडोर बनाना चाह रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं पेपर्स वगैरह हो रहे हैं ऑनलाइन और ये सारा कुछ, मैंने कहा ये घर पे आज जो है वो बाहर निकलना ज़रा मुश्किल होता है, ऑल्दो कि कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी तो मैंने कहा आज जो है वो क्लासरूम क्लास हो जाए, क्लासरूम वीडियो हो जाए। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम।